नवीद, मेरा ऑब्जेक्शन वार्ड नंबर 11 लेबर कॉलोनी विश्वास नगर पर था। एक्चुअल ये महानगर पालिका वालों ने इसमें ऐसा किए कि 2005, 2010, 2015 तक इसके रिजर्वेशन प्रॉपर वे से है तो रूल से तो फॉलो हो रहे थे, लेकिन ये बार ये वार्ड तो ओपन होने वाला था तो महानगर पालिका के कुछ षड्यंत्रकारी अधिकारियों ने ये पूरा वार्ड को ही 4 टुकड़ों के अंदर काटने की वजह से ये पूरा वार्ड ही अपने उसका नामो निशान ख़त्म हो गया और ये वार्ड कहीं गुम हो गया। और उसके बाद में इन्होंने जो नेचुरल बाउंड्रीज ये वार्ड की जो हर्षनगर का जो एरिया था उसको नाला क्रॉस करके उन्होंने लोडागंज वार्ड के अंदर मोमिनपुर और मंजूरपुर के अंदर जोड़े। फिर उसके बाद जो दिल्ली गेट का जो बेल्ट है सूबेदारी गेस्ट हाउस का उसका तो वो जोड़े उन्होंने आरएफ कॉलोनी प्रगति कॉलोनी के अंदर। लगभग वो एरिया का डिस्टेंस है 3-4 किलोमीटर के पास में, जबकि वो नेचुरल बाउंड्रीज पूरा टोटल क्रॉस करके आए। फिर उसके बाद में वार्ड नंबर 13 रोजेबाग के अंदर इन्होंने जो 30 मीटर का जो रोड है वो क्रॉस करके उन्होंने चौस कॉलोनी ग्रीन वैली और जो बेल्ट लिए N13 का जो भाग इन्होंने तो रोजेबाग पे करे, ये भी क्लियरली है तो इलेक्शन कमीशन के नॉर्म्स और रूल्स के अगेंस्ट में जाकर इन्होंने वो किया हुआ है। फिर उसके बाद आज़ाद कॉलेज का सामने का जो प्रेमाइसिस है नेशनल कॉलोनी वो है तो वानखेड़े नगर के अंदर लिए, वहाँ पर भी नेचुरल बाउंड्रीज का किसी भी तरीके से ख्याल नहीं रखा गया। लगभग लोटा कारंज जो वार्ड था इसको है तो 3-4 टुकड़ों में तोड़ा गया। चेलीपुरा जो वार्ड था 3-4 टुकड़ों में तोड़ा गया। बुढ़ी लाइन वार्ड भी अपने तो इन्होंने गायब कर दिए, इसमें भी है तो ये उसका वार्ड का नामो निशान नहीं रहा। लगभग इन्होंने पूरे शहर के अंदर 68 चेंजेस ऐसे किए जिसकी वजह से पूरा टोटली है तो वार्ड रचना ही वापस से हुई ऐसा हुआ। लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन का रूल्स ऐसे है कि 10 साल तक कोई भी वार्ड रचना को अपने हाथ नहीं लगाया जाता। इसमें यहाँ प्रॉब्लम ऐसा था कि सातारा देवलाई जो भाग है वो कॉरपोरेशन लिमिट में आने की वजह से 2 वार्ड जो बढ़ गए थे उसकी लोक संख्या उनको एडजस्ट करना थी, मगर लोगों ने क्या किए लोक संख्या एडजस्ट करने की जगह पूरे टोटल वार्ड नंबर 1 हरसूल से पूरा शहर के अंदर इन्होंने 68 जगह जो चेंजेस करे इसकी वजह से पूरी टोटल वार्ड रचना है तो नेचुरल बाउंड्रीज और ये बाकी सब चीज़ें डिस्टर्ब हुई और इवन अपने रिजर्वेशन भी इसमें डिस्टर्ब हुआ। इलेक्शन कमिश्नर ने क्या आश्वासन दिया तुम्हारे? अभी हमारी अपने जो हेयरिंग हुई इसके अंदर अपने इलेक्शन कमिश्नर ने अपने तो काफ़ी है तो इसमें सीरियस पॉइंट से उन्होंने कॉग्नाइज लिए और इसके अंदर अपने जितना पॉजिटिवली और जितना लीगली हो सकता उन्होंने अपने करने की कोशिश की। हाय, दिस इज एंकर एमसी माधुरी सांची और देखते रहिए औरंगाबाद अपडेट्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारा चैनल औरंगाबाद अपडेट्स। थैंक यू।